दूसरी तरफ वो सस्पेंस भी अब खत्म होता जा रहा है कि महाराष्ट्र की नई नवेली शिंदे सरकार में जो कि एक महीने पहले करीब बनी थी, आखिरकार कितने मंत्री बनने वाले हैं। हमको जो खबर मिली है, एबीपी न्यूज़ को जो खबर मिली है, उसमें बीजेपी शिंदे गुट को उतने मिनिस्टर्स नहीं देना चाहती जितना एकनाथ शिंदे गुट चाहता है। लेकिन धीरे धीरे रजामंती अब बनती जा रही है। हाँ, ठाकरे गुट को ये जरूर लग रहा है कि वो मंत्रिमंडल गठन के साथ ही शिंदे खेमे में असंतोष अभी और बढ़ने वाला है, यानी ये टूटा हुआ जो फ्रैक्शन है जिसको शिंदे गुट कहा जा रहा है वो और टूट जाएगा और वापस अपनी मूल पार्टी जो कि ठाकरे की शिवसेना है वहां पर लौट सकता है। और ऐसे में उद्धव ठाकरे और उनके करीबी ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उनकी किस्मत जल्द चमकेगी। हम दो इस कमरे में बंद हो असत है ना सरकार, और चाबी खो जाए, चाबी बदन जेव उघडतील तेव्हा मंत्रिमंडळाचा विस्तार होईल। एक महीना होने को आया लेकिन एकनाथ शिंदे के मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ। उद्धव गुट बार बार इसी को लेकर शिंदे गुट पर सवाल खड़े कर रहा था। उद्धव का आरोप था कि जब तक बीजेपी हाईकमान का ग्रीन सिग्नल नहीं मिलेगा तब तक मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होगा। लेकिन अब बीजेपी और शिंदे गुट ने सारे विरोधियों का मुंह बंद करने की ठान ली है। महाराष्ट्र में बहुत जल्द होगा मंत्रिमंडल विस्तार। सूत्रों के मुताबिक मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बीजेपी शिंदे गुट में सहमति बन गई है। अब आपको बताते हैं कि कैसा हो सकता है महाराष्ट्र मंत्रिमंडल का चेहरा। सूत्रों के मुताबिक शिंदे गुट ने अपने लिए 20 मंत्री पद की मांग की थी। बीजेपी हाईकमान 15 से 17 मंत्री पद देने के लिए राजी हो गया है। उद्धव सरकार में मंत्री रहे शिवसेना के विधायकों को फिर से मंत्री बनाया जा सकता है। कुछ नए चेहरों को भी मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। शिंदे गुट के जिन विधायकों को मंत्री नहीं बनाया जाएगा उन्हें कॉरपोरेशन में चेयरमैन का पद दिया जा सकता है। दरअसल उद्धव गुट को भी इस मंत्रिमंडल विस्तार का इंतजार है। उद्धव गुट को लगता है कि विस्तार के बाद मंत्रिमंडल में जगह न मिलने के चलते शिंदे गुट के कुछ विधायक वापसी कर सकते हैं। संजय राउत ने इस बात का इशारा भी दिया था। महाराष्ट्र पुनः एकदा सत्ता परिवर्तन झालं तरी मला आश्चर्य वाटणार नाही। एकनाथ शिंदे को भी इस खतरे का अंदाजा है, तभी सभी विधायकों से बात करने के बाद मंत्रिमंडल विस्तार का फैसला लिया गया है। माना जा रहा है कि 1 अगस्त को विस्तार की तारीख का ऐलान हो सकता है। मुंबई से गणेश ठाकुर की रिपोर्ट। ये हैं शर्मा जी जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बैनर्जी साहब, मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।